हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में दोस्ती पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए गेहूँ का आटा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बस हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है। तो कभी भी आटा लगाएं तो एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालिए तभी सही रहता है, वरना फिर गीला हो जाता है आटा। तो आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना पानी चाहिए उसके अंदर। और आटा हमारा रेडी हो गया तो इसको थोड़ी देर रख देंगे और थोड़ी देर के बाद जो है इसको एक बार अच्छे से फिर से मसल लेंगे। और फिर चलिए अब हम बनाते हैं पराठा। तो दोस्ती पराठा है ये, बहुत ही अच्छा लगता है और इसको कई जगह पर लेगरा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको दोस्ती पराठा बोलते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सूखा आटा भी ले लिया है और इसके बाद थोड़ा सा जो हमने आटा गूंथ के रखा है इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। इस तरीके से आप अपने मन पसंद के हिसाब से बना सकते हैं साइज, लेकिन ये वाले जो पराठा होते हैं ये थोड़े से बड़े बड़े ही बनते हैं और बहुत ही पतले पतले से बनते हैं, तभी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो पतली पतली सी रोटियाँ भी बना सकते हैं, जैसे रुमाली रोटी बनती है बहुत ही सॉफ्ट सी, तो वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो है मैंने दोनों लोई को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लिया, उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया इसमें, और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके और पतला पतला सा इसको बेल के तैयार कर लेना है। ये वाला जो पराठा होता है ये मोटा नहीं बनाया जाता, इसको पतला पतला ही बनाया जाता, तभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और इस पराठे को आप किसी भी सब्जी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो छोला हो, राजमा हो, या फिर कोई आपकी सूखी सब्जी हो, या फिर पनीर हो, हर तरह की सब्जियों के साथ में ये पराठा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने पतला पतला पराठा बेल लिया है और उसके बाद इसको मैंने तवे पे डाल दिया है, और जब तक एक साइड से पक रहा है ये पराठा जो है, तब तक हम दूसरा पराठा जो है बेल के रेडी कर लेंगे। तो फिर से मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है और फिर दोनों लोइयों को एक दूसरे में चिपका दिया है। तो घी अगर बीच में अच्छे से लगाएंगे तो इसकी जो परत होती है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी और बहुत ही अच्छा पराठा बन के तैयार होगा। तो देखिए हल्का हल्का सा सूखा आटा लगा करके और बस इसको हमें बेल लेना है इस तरीके से पतला पतला सा। ये देखिए आपको साइज बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये जो है बड़े बड़े ही बनते हैं, क्योंकि हमें इसे पतला बनाना होता है ना इसीलिए। और यहाँ पे देखिए पराठा जो है दूसरे साइड से भी पक गया है, तो इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा घी लगा के और पराठा रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हो। मैंने यहाँ पे घी लगाया है। तो बस दोनों साइड से अच्छी तरीके से हम पराठे को सेक लेंगे दबाते हुए। और इस पराठे को आप चाहें, अगर आपको क्रंची पसंद है तो आप इसको क्रंची कर सकते हैं, या तो फिर ये जो पराठा है इसको थोड़ा सॉफ्ट ही सेका जाता है जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट रहे और खाने में अच्छा लगे। तो एक पराठा देखिए हमारा रेडी हो गया है और इसके साथ मैंने बनाई है लौकी की सादी सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये देखिए हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सब्जी और पराठा है। और दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है और इसी तरीके से हम जो है पराठे को सेक के रेडी कर लेंगे। तो मैं जो है पराठे बनाते जा रही हूँ और बना बना के दे रही हूँ खाने के लिए, तो आपको एक जगह रखा हुआ नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए हमारा जो दूसरा पराठा है वो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसके आप स्पॉट्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और इसकी पूरी परत अलग हो गई है ये देखिए सारी। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और ये जो पराठा बनाने की विधि है वो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जब भी आप कोई चटपटी सी सब्जी बनाएं तो आप लोग जो है इस पराठे को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को सच में पसंद आएगा। तो फटाफट से चलिए पराठा जो है सारे बना के रेडी कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो पराठे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के से होते हैं ये पराठे, तो सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।